देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ममता बनर्जी के संपर्क में भाजपा के सांसद, बंगाल की राजनीति ने दिल्ली को भी हिला दिया है। मोदी की कुर्सी हिला के रख दी है बंगाल की राजनीति ने। बंगाल में ममता ने खेला कर दिया है बीजेपी के साथ। भाजपा के बंगाल के 12 सांसदों ने मोदी शाह की धड़कनें तेज कर दी है। बंगाल से भाजपा के 3 सांसद, कम से कम 3 सांसद तृणमूल के साथ ममता बनर्जी के साथ संपर्क करने के बाद ममता दीदी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है और अनऑफिशियली फाइनल भी हो गया है कि 3 सांसद 26 जून से पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। लास्ट विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से ममता 215 सीटें जीती थी और बीजेपी 77 सीटें। लेकिन ममता बनर्जी के सीएम बनते ही 4 विधायक टीएमसी में वापस चले गए थे और जितने भी ये विधायक गए थे ये सब कद्दावर नेता थे बीजेपी के, और बीजेपी 77 में से जो है कि 73 पर सिमट गई थी। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पहले ही ट्वीट कर इसके ऊपर जानकारी दी थी कि बीजेपी के कम से कम 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं, जल्दी लोकसभा में बीजेपी की ताकत जो है वो 240 से घटकर 237 पर रह जाएगी। तो वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागिन रॉय से मंगलवार दोपहर को कुछ बिहार में मुलाकात की। उनके आवास पर ममता बनर्जी पहुंची। तो नागेन रॉय और ममता बनर्जी की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने को कहीं ना कहीं निकाल कर देखा जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद के साथ तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी की मुलाकात, वो भी सदन का कार्यक्रम शुरू होने से पहले। ये कहीं ना कहीं ऊपर से खबरें ये भी है कि कम से कम 12 में से 3 सांसद जो है ममता बनर्जी से मुलाकात कर ली है और वो कभी भी भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थाम सकते हैं ऑफिशियली। और इस घटनाक्रम के तौर पर इसे देखा जाए तो दोनों नेताओं के बीच, यानी भाजपा के राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के बीच का जो बैठक है वो करीब 35 मिनट तक चली। रॉय ने चकचका पैलेस में परंपरा गमछा और गुआपान के साथ जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्होंने स्वागत किया। रॉय के आवास पर जाने से पहले ममता ने जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी, क्योंकि दोनों की बातचीत जो है वो बंगाल की राजनीति को सिर्फ नहीं, कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति को भी चकमा दे सकता है और पूरे तरीके से पासा जो है पलट सकता है। आपको मैं बता दूं, जिस कुचबिहार में इन दोनों की मुलाकात हुई, उस कुचबिहार को इस बार भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने छीन लिया है। लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने भाजपा से कुचबिहार सीट छीन ली है। इस सीट पर तृणमूल उम्मीदवार जगदीश चंद्र वर्मा ने वरिष्ठ भाजपा नेता नीतीश प्रामाणिक को करीब करीब 40,000 मतों से, वोटों से हराया है। चुनावी नतीजों ने इन अटकलों को जन्म दिया था कि क्या इस क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी जो है कि जो बीजेपी के नेता हैं, क्या वो टीएमसी में जाकर के शामिल हो जाएंगे। राजनीतिक समीकरण तो यही कह रही है फिलहाल। ममता की इस मुलाकात को लेकर के भाजपा की बंगाल इकाई ने कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की, जबकि सवालों की बौछार लगाई जा रही है कि भाजपा के वरिष्ठ सांसद, राज्यसभा सांसद के साथ ममता बनर्जी की 35 मिनट तक बंद कमरे में जो मीटिंग हुई, ऊपर से बंगाल में जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं बीजेपी के, और भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे बंगाल के दिलीप घोष, उन्होंने किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, बीजेपी आलाकमान के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला था कि पुरानी वर्सेस नई की लड़ाई में इस बार हम चुनाव हार गए। पिछली बार जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने नेता थे, पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने भाजपा को चलाया और भाजपा
42 में से 18 सीटें बीजेपी जो है बंगाल में जीती थी, लेकिन जब से दिलीप घोष को हटाया गया, जब से पुराने कैडर को साइडलाइन करके नए कार्यकर्ताओं को, नए नेताओं को जगह दी गई और जब वो बीजेपी चलाने लगे बंगाल में, तब जाकर के बीजेपी का बंगाल में ये बुरा हाल हुआ। और बार बार नरेंद्र मोदी और शाह ये गलती कर रहे हैं, पुरानी और नई की लड़ाई में वो हमेशा नए लोगों को चुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ धोखा कर रहे हैं। और इस बीच रॉय और खुद ममता बनर्जी की इस मीटिंग ने इतना तो साफ कर दिया कि बंगाल में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बीजेपी के तमाम सांसद जो है 12 सांसदों में से करीब करीब 4-5-6 सांसद, 50% सांसद जो है वो ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद रॉय ने भी इस बैठक को लेकर के रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साध के वो बैठे हुए हैं, वो भी संवाददाताओं से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जितना उन्होंने कहा वो भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने प्रेस से कहा कि देखते हैं भविष्य में क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे करके ममता के साथ हाथ मिला सकते हैं। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद हैं वो वहां के। बंगाल में ममता बनर्जी को कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद भाजपा सांसद ममता के साथ संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऊपर से भाजपा के राज्यसभा सांसद से ममता बनर्जी की ये मुलाकात बंगाल की राजनीति को एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और साफ कर दिया है कि बंगाल में कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसका भनक जो है मोदी शाह को फिलहाल है नहीं। जब मोदी जी को अब तक तो भनक लग गया होगा और इस कार्यक्रम में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीब माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात और तमाम भाजपा सांसदों ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बंगाल में ममता बनर्जी के साथ संपर्क बनाने की, साधने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी पल अनऑफिशियली तो इतना कहा गया है कि किसी भी पल वो इस्तीफा भाजपा से दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को दिल्ली की कुर्सी को, जो मोदी जी की कुर्सी है, उसे यहां से बंगाल से ही हिला के रख दिया है। आप इस विषय पर क्या सोच रखते हैं? क्या 26 जून से पहले कुछ बड़ा झटका मोदी के लिए, शाह के लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है? क्या वाकई ये सरकार ज्यादा दिन के लिए है नहीं? मोदी क्या वाकई 3 महीने के लिए मेहमान है? आपकी क्या टिका टिप्पणी है इस पर कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को देशनीति आपके लिए ढूंढ कर कुरेद कर लाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको पाना है, देशहित के मुद्दे पर अगर आपको विश्लेषण चाहिए, तमाम उन मुद्दों पर देशनीति बात करता रहा, आगे भी करता रहेगा, जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को चुभता है। फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की, आपके सहयोगिता की जरूरत है, बस कुछ और नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।